Yeah. Hang on a second. हाँ आधे लोग तो सुनते सुनते सो गए. एक्चुअली पढ़ते पढ़ते मेरी भी एक बार ऑलमोस्ट आग लग गई. यू नो मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसी रीडिंग्स पे आते क्यों है. आई मीन क्लियरली उनके पास कोई काम धंधा नहीं है. अगर रीडिंग्स का इतना शौक है तो खरीद के पढ़ सकते हैं ना. ओह माय गॉड, आई फॉरगॉट टू टेल यू, रीडिंग के बाद मेरे पास एक देसी आया और कहने लगा, ब्यूटिफुल राइटिंग, मेरी आंखें भर आई, आई वॉज चोकिंग, रियली चोकिंग, व्हाट अ पैंसी. आई नो राइट. एक तो मैं रोमांटिक बकवास लिखती हूँ, लोग इसे खरीद रहे हैं और ऊपर से सेंटी भी हो रहे हैं. आई नो, अगर किसी ने मुझे ऐसे बात करते हुए सुन लिया ना, बैन कर देंगे मुझे लिखने से. Oh. Oh. We meet again. मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी. अच्छा. Mind blowing. जिस तरह तुमने लव को explain किया है और वो line, to gain something you have to lose something. क्या original है. हर एक पेज पर मेरी आंखें भर आई थी. टिश्यू का डब्बा लेकर बैठा था. Stop it. मैं जानती हूँ तुम कौन हो. Really? ऊपर तुम्हारा फोटो देखा. गैरी ने बताया तुम्हारे बारे में. Oh. अच्छी बातें हैं. होप सिर्फ इतना बताया कि तुम बहुत सक्सेसफुल हो सकती हो. ख्याल रखना कहीं तुम्हारा यूडी ना हो जाए. कमीना साला. एक मिनट, ये वो बोल रहा था या तुम बोल रही हो? वैसे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं एक रोमांटिक कॉमेडी लिख रहा हूँ तो सोचा तुम्हारी किताब पढ़ लेता हूँ. एंड गेस व्हाट आई फाउंड आउट, यू आर अ फ्रॉड. व्हाट? व्हाट डू यू मीन? अगर किसी ने मुझे इस तरह बात करते हुए सुन लिया तो बैन कर देंगे मुझे लिखने से. स्टॉप इट. मैं बहुत बड़ी राइटर बन चुकी हूँ. पूरे अमेरिका ने मेरी किताब पढ़ी है. मेरा एजेंट कहता है आई एम नंबर वन. पर मुझे ये नहीं पता कि वो साला एजेंट ये लाइन हर क्लाइंट पे मारता है. No, I'm not asking why. I'm saying why. My name is UD. Y for Yahoo, U for underwear, U for unicorn. क्या कहा? मेरे कम से कम चार घंटे लगेंगे. चार घंटे? I can't believe कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी. Shit, this was such a bad idea. अब जब तक हवा खा रही थी सब ठीक था. अब एक्सीडेंट हो गया तो बैड आइडिया. अच्छी खासी फ्लाइट कैंसिल करवाई. और अगर पायलट की आंख लगती तो ये झगड़ा भी नहीं हो पाता. Surely you do realize कि हम almost मर सकते थे. Don't be so dramatic. But I'm being dramatic now. Of course. No, हमें किसी से लिफ्ट लेना चाहिए. I can't believe this. कोई मदद करने को तैयार नहीं है. Where? What are you doing? क्या कर रहे हो? अपनी शर्ट उतार. क्या? अरे इतनी वाइड शॉट में तुम्हारी शक्ल नहीं दिखने वाली, बॉडी दिखानी पड़ेगी. No way. No wish. Arch your back. Stomach in. Chest out. Chest out. It is out, Yuri. And sexy pose though, yaar. All sexy. That's good. That's nice. Nice. And turn around slowly. Slowly, slowly. Shut up, Yuri. Okay, it's not working. Ek kaam karo, pura upar ka utar do. तुम वहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? गेट अप.
मुझे लगता है तुम्हारे चांसेस बेटर है यहाँ पे. टेक इट ऑफ. व्हाट आर यू कवरिंग? आर यू मैड? टेक इट ऑफ ब्यूटी. शो योर बूब्स. टेक इट आउट अ लिटिल बिट. Yeah. Nice. Hey, you need a ride? No, please go. It's okay. Thank you. So sweet. The perfect Facebook moment. Yay, I'm finally married. Hubby and wifey. Forever, I love you. Hot, hot, hot. At least 75 comments and 100 likes. What a lovely couple you guys make. You guys are perfect for each other. तो क्या लगता है? 3 साल? ना, 1 साल tops. पहले 3 महीने hormones संभाल लेंगे, अगले 3 महीने realization में जाएंगे और अगले 3 frustration में. पहली anniversary तो wars होने लगेगी full on. Give me my space. I don't like your mother. What's wrong with my mother? I hate you. I don't want to talk to you. F you. F you. Hey, don't you think वो दूल्हा बिल्कुल तुम्हारी किसी book के hero जैसे लगता है? अगर मेरी book का hero मुझे कहीं मिल जाए, तो punch मार दूँ उसे. I don't get it. सारी लड़कियाँ एक तरफ इक्वालिटी और इंडिपेंडेंस की बातें करती हैं और दूसरी तरफ सबको लगता है कोई प्रिंस चार्मिंग आके उन्हें रेस्क्यू करे, उन्हें कंप्लीट करे, उनकी जिंदगी बदल दे. Doesn't make sense, ना? तो फिर क्यों लिखती हो ऐसी किताबें? मेरे लिखने ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता. Dude, थोड़ी ऑफ हो तुम. What? तुम और मैं एक साथ 6 महीने भी नहीं टिक पाएंगे. 6 महीने? 6 घंटे भी हम एक दूसरे को नहीं झेल सके. पूरी लाइफ टाइम तो दूर की बात है. परफेक्ट. चीयर्स टू दैट.